हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं जी एस एजुकेटर स्वागत करता हूं आपका। तो आज रेलवे का जो एग्जाम चल रहा है आपको पता ही है, और रेलवे एग्जाम के लिए सारे सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, खासकर मैथ, रीजनिंग और आपके जीएस, जिसमें से जीएस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि टाइम टेकिंग, समय कम बचाता है। इसमें से आप परेशान होते हैं, सर साइंस, स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर्स कैसे क्या किया जाए, रीजनिंग कैसे किया जाए, मैथ्स कैसे क्या किया जाए। तो अनकैडमी आपको एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया है आपके लिए। वो सरप्राइज गिफ्ट क्या है, आइए समझते हैं, देखते हैं कि वो सरप्राइज क्या है आपके लिए। तो मेरे कोर्स आ रहे हैं 11 जनवरी से, जिसमें मैं स्टैटिक जीके की बात करने वाला हूं, क्योंकि इस बार जो पेपर हो रहा है ना, वो बिल्कुल आप जीके पार्ट में देखोगे तो स्टैटिक जीके की भूमिका बहुत है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 सवाल में 15, 20, 25 तक स्टैटिक जीके आए हैं। उस स्टैटिक जीके में आप हिस्ट्री को भी इंक्लूड कर लो, ज्योग्राफी को भी इंक्लूड कर लो, कुछ पॉलिटी के भी इंक्लूड कर लो, जो चेंजेस नहीं हो सकते हैं उन सब का पार्ट, और बाकी बात स्ट्रैटेजी के जो नेशनल पार्क की बात कर लें, या फिर माउंटेन की बात कर लें, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लें, कैपिटल की बात करें, करेंसी की बात करें, एवरीथिंग की बात करें। अरे बात है समझ में। तो 11 जनवरी से, तो अभी मैं कह रहा था कि रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस क्या कहने वाले हैं, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपकी सफलता को बिल्कुल 100% सुनिश्चित करेगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको रेलवे के द्वार तक पहुंचाने के लिए एक ऐसे टीम बनाई गई है, सॉलिड टीम, अपकमिंग बैचेस फॉर रेलवे एग्जाम 11 जनवरी 2021 से। अभी आप देख पा रहे होंगे कई सारे नाम आपको सामने दिखेंगे, जो समय के मांग के अनुसार, समय के जरूरत के अनुसार आपको किसके लिए, अद्वैत बैच फॉर RRB ग्रुप डी जो कमिंग एग्जाम है, और आप, मैं जोड़ दूंगा यहां पे CBT 2 भी, CBT 2। तो क्या CBT 1 को फायदा नहीं होगा? बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि CBT 1 का पेपर मार्च तक चलेगा, पेपर मार्च तक चलेगा। अभी ये जनवरी है, सेकेंड फेज का पेपर कब से है, तो 16 जनवरी से है। सेकेंड फेज वालों को, के बच्चों को भी फायदा होगा, क्योंकि आप CBT 1 निकाल के रेलवे तो जॉब देगा नहीं, आपको CBT 2 भी निकालना पड़ेगा, यानी CBT 2 निकालेंगे तब जाकर आप NTPC के लायक होंगे। तो आप CBT 2, ग्रुप डी, और जिनका पेपर बचा हुआ है वो CBT 1, यानी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन क्या पढ़ाने वाला है इस बैच में आपको। जैसा कि जनरल अवेयरनेस, हम नाम तो बताने की जरूरत नहीं है, रोहित सर पढ़ाएंगे आपको। जनरल साइंस, जनरल साइंस आपको दो एजुकेटर पढ़ाएंगे, जो नीरज सर, नीरज जांगिर सर और अमृता मैम। रीजनिंग दीपक तिरथियानी सर, क्वांट राहुल देसवाल, और करंट अफेयर्स भुवनेश शर्मा। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें, इनरोल करें। और क्या फायदा बच्चे, कवर्स प्रैक्टिस कोर्सेज फॉर RRB एंटीबिशन ग्रुप डी, मतलब जितने भी टॉपिक हैं सब कवर होंगे। अब ऐसे क्या होता था, सर ये टॉपिक छूट रहा है, वो टॉपिक छूट रहा है, आप कवर नहीं कर पाते थे। अब क्या हो गया, करंट छूट रहा है, करंट यहाँ, साइंस छूट रहा है, वहां ज्वाइन कर लिए, स्टैटिक जीके और जीएस छूट रहा है, अब मेरे पास चले आए, मतलब कंप्लीट आपको मिलेगा यहाँ, कंप्लीट। ठीक है बच्चे, तो इनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि बाबा को याद करना पड़ेगा, यानी रेफरल कोड बाबा10 लगाना पड़ेगा आपको, ताकि आपको 10% का रिबेट मिले। ये मैं आपको दिखा दूं कि ये कोर्स आना था 7 जनवरी से ही, लेकिन अनअकैडमी सोचा नहीं बच्चों को एक ऐसा पैकेज दो जिससे बच्चे का सिलेक्शन हो, इसीलिए ये डिले हुआ, और तब जाकर ये सॉलिड टीम बनाई गई RRB के लिए, जो बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन सक्सेस दिला है आपको। ठीक है बच्चे, याद रहेगा 11 जनवरी से बैच शुरू है, बस आपको क्या करना है, रेफरल कोड बाबा10 यूज करना है और ज्वाइन कर लेना है। सबके क्लास मिलेंगे, जितने सारे एजुकेटर दिखे हैं सारे के सारे क्लास आप अवेल कर पाओगे। बाकी बात, मेरा क्लास आप देख पा रहे हो 11 जनवरी से बैच शुरू होगा, टाइमिंग इसकी रखी गई है 11:05 पे, 11:05 PM AM, क्योंकि आपको पता है 10 बजे में स्पेशल क्लास लगवाता हूँ, तो 10 बजे आप आते हो क्लास करने के लिए, 40 में 40 जो करते हो, इसके बाद आप ये क्लास ज्वाइन कर लोगे। ठीक है भाई, चलिए, तो याद रहे
अद्वैत के बैच फॉर आरआरबी ग्रुप डी, ये कंबाइंड आपके लिए, ज्वाइन करना ना भूलें, रेफरल कोड बाबा टीम के साथ में, जिससे आपको 10% का फायदा हो। ठीक है, सीधा ये 7 स्टेप को फॉलो करिए और आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। याद रहे, देर मत करना, क्योंकि पहले ज्वाइन करो और पहले से ही फायदा उठाओ। ऐसा ना कि सर बाद में ज्वाइन करें तो फिर रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे, कोई मतलब नहीं है रिकॉर्डेड क्लास देखने का। ठीक है भाई, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, शुक्रिया।